हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने वीरवार को चंडीगढ़ में कहा कि डायल 112 की सेवा राज्य में 31 मार्च 2020 तक आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य में प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके लिए नई गाड़ियों की खरीद एवं चालू हालत की गाड़ियों का प्रयोग करवाया जाएगा, जो कि पुलिस कर्मियों सहित वायरलेस तथा मेडिकल सुविधाओं से लैस होगी। यह सुविधा प्रदेश स्तर पर नियंत्रित की जाएगी, जिसका लिंक स्थानीय स्तर के अधिकारियों से भी रहेगा। गृह मंत्री ने बताया कि इस प्रणाली का उपयोग राज्य का कोई भी व्यक्ति, महिला या जरूरतमंद कर सकता है। इसके लिए उन्हें पुलिस द्वारा शुरू किए जा रहे 112 नंबर डायल करना होगा, जिसकी प्रतिक्रिया में पुलिस की सहायता 15 से 20 मिनट में शिकायतकर्ता के पास पहुंच जाएगी। इसके उपरांत शिकायतकर्ता से उनकी संतुष्टि एवं पुलिस के व्यवहार व उसकी कार्यप्रणाली के बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। इस दौरान यदि किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मचारी या अधिकारी व अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समुचित गाड़ियों में मेन पावर तथा अन्य आवश्यक कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह व्यवस्था 31 मार्च तक शुरू की जा सके। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रदेश का कोई भी नागरिक हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हरियाणवी भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।